लद्दाख टूर के 19वें दिन आज मैं और मम्मी बढ़ेंगे पेंगोंग लेक के किनारे बनी शानदार रोड पे आगे और पहुंचेंगे चुशुल। इससे पहले के 18 वीडियोस में आपने देखा कि हम अपने घर छत्तीसगढ़ से 3000 किलोमीटर का सफर करके अपनी मारुति रिट से ड्राइव करते हुए पहुंचे लद्दाख। आप में से जिन लोगों ने इस ट्रिप के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो स्वागतम शुभागतम गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है लद्दाख सीरीज के एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। माता जी सुबह उठ के गरम गरम पानी का आनंद ले रही हैं सामने पेंगोंग लेक का नज़ारा देखते हुए। अपन आज एक ऐसा करते हैं कि पूरे दिन यहीं इस कोने में बैठ के और पेंगोंग लेक का मजा आनंद उठाती हूँ मैं, तुम इधर उधर घूमते रहो। आज सवेरे तो बहुत तेज धूप निकल आई है, कल रात को बढ़िया ये रजाइयों में मैं और मम्मी ऐसे घुसे हुए थे, थोड़ी मुश्किल था टाइम, मतलब कि थोड़ी देर के लिए भी रजाई से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। जैसे तैसे रात कटी, सवेरे उठ के जैसे ही हमने पर्दा खोला ये धूप आने लगी और सामने है वो खूबसूरत झील जिसे देखने लोग हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। तो मम्मी ऐसा करते हैं कि मैं जाऊँगा नीचे झील के किनारे, आप यहाँ बैठ के धूप और झील का आनंद उठाएं। अभी आने वाले जो अगले 2-3 दिन होंगे बहुत मजा आएगा, धूप तेज रहेगी, ठंड तेज रहेगी, हवा तेज रहेगी, चेहरा ऐसा लाल काला पीला पड़ने वाला है, अभी से ही थोड़ा पड़ना शुरू हो गया है। कुछ भी कर लो उसमें, कितना भी कुछ लगा लो वो लाल काला हो ही जाता है। तो आखिरकार पहुंच गया हूँ मैं इस प्यारी सी झील के बिल्कुल किनारे। यहाँ पे ये जो 3 गांव हैं स्पागमिक मान और मेरक, जब भी हम पेंगोंग आते हैं तो जनरली हमारा शेड्यूल ऐसा रहता है बढ़िया दौड़ते भागते आते हैं, बट वी मस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप इस झील के बाजू में बैठ के कम 1 घंटा आराम से इसकी आवाज़ सुनते रहें। ये जो झील से जो लहरें आके यहाँ पे टकरा रही हैं इसकी बिल्कुल एकदम डिवाइन एकदम प्यारी आवाज़ है। और यहाँ के नज़ारों का तो क्या कहना, पीछे है स्पांगमिक पूरा छोटा सा सेटलमेंट, हमारा जो बीच में रोड है उसके पीछे है होमस्टे, वहाँ ऊंचाई पे है तो व्यू अच्छा दिखता है, यहाँ पे भी सामने काफ़ी सारे कैंप्स लगे रहते हैं। ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं इन पहाड़ों के उधर मार्चमिक ला, आगे लेफ्ट साइड में जाके मेरे को नहीं पता कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, एक आर हाई ऑल्टीट्यूड पास है, ये बंद था पिछले कई सालों से लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है, कुछ टाइम रिस्ट्रेंट्स हैं इसलिए इस बार तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ लेकिन अगली बार मैं ज़रूर जाऊँगा। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से चाइना के साथ जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ। तो बढ़िया नहा धो के तैयार हो के हम निकले। अच्छा 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 उतरो 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 पहले उतर जाओ। जी भर के बालों में तेल चुपड़ लिया है, आप देख रहे हैं कल यहाँ पे पार्किंग काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी सब खाली हो गई हैं, किसी को हानले जाना है, किसी को उमिंगला जाना है, कोई वापस ले जा रहा है। नहा धो के तैयार हो के मैं चली लेक घूमने। नहीं लेक नहीं, आप तो नाश्ता करोगी। पिछली बार मैं ये जो पूरी रोड थी सामने एक दिन में सीधा हानले डोरबुक से पहुँच गया था, उस दिन मेरे को समझ में आया आराम से धीरे धीरे जाना, इसलिए इस बार यहाँ आराम से रुके हैं। अभी मात्र 50 किलोमीटर दूर आगे जाके चुशुल गाँव है तो वहाँ हम लोग रुकेंगे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, आराम से नाश्ता वाश्ता करके धीरे से जाएंगे। झूले 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 गानी गानी ऑमलेट खाते हाँ नहीं ऑमलेट ये खाएगा मैम, एक ब्रेड और थोड़ा चाय। मम्मी को एक ब्रेड और चाय चाहिए बस, मेरे को थोड़ा सा ऑमलेट देकर हो दे दो। हाँ ये इनका डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे पूरा बुफे लगता है, रात को मम्मी के लिए कुछ स्पेशल सर्विस मिल गई थी, मम्मी के लिए रूम में खाना आ गया था, नहीं तो जनरली यहीं आके खाते हैं बढ़िया। और ये इसकी खिड़की यहाँ से है लेक का व्यू। और मैं तो ये पूरे टाइम बाहर लेक को ही देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं देखना चाहती। बहुत होशियार है आपको मम्मी, एक ही बच्चे एक बेटी है, बहुत अच्छा लगा बढ़िया, और साइड सीन तो बहुत ही बढ़िया आपका है ना, खाना भी अच्छा बनाया था है ना। तो यहाँ पे आपके सब्जी भाजी नहीं होता? सब्जी भाजी थोड़ा उगते हैं ना, शलगम जैसे आलू मटर सारे उगते हैं, मगर बाकी पूरा ले मिले रहे ले। और गेहूँ भी वहीं से? गेहूँ यहाँ उगते हैं सारे, उगते उगते। चलो फोटो खींच दो अच्छे से।
यात्रा को। थैंक यू, आपका चाय ठंडा हो गया। ओके थैंक यू। बहुत अच्छा मम्मी है, बहुत आपका बेटा बहुत अच्छा है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू स्पैग्मिक। गाड़ी बढ़ाते हैं अब आगे। है अब इस लेक के किनारे किनारे कुछ दूरी तक हम चलेंगे। तो 11 बजे निकले एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं। मेरे को एक चीज़ की बहुत याद आ रही है, मेरे घर की अरहर दाल। यहाँ पे सब मूंग दाल खिलाते हैं ना हमें, और कोई तड़का वड़का नहीं। वो जो सादा अपन बनाते हैं ना, कुकर से निकाले, घी नींबू मिलाए और खाए, हाय 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 क्या स्वाद होता है उसका। बहुत याद आ रही है मुझे। जब घर में देते हैं तो कहता है कि तड़का लगाता तो कर लगा। वो तो है ही। हाँ, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन आपको टूटे हुए दिख रहे हैं। आई थिंक जितना मैंने पढ़ा था कि यहाँ की अथॉरिटीज़ ने कुछ रूल बनाया है कि लेक के इतने डिस्टेंस में आप कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। अपने कैंप्स हैं जो मेकशिफ्ट कैंप्स बनाइए, सीजन में कमाइए और उसके बाद उनको निकाल के घर जाइए। परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो ये सब आपको जो टूटा हुआ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, ये सब उसी लिए तोड़ा गया है। तो ये आ गया अगला गांव जो इस पेंगोंग लेक के किनारे पड़ता है। सामने से आ रहा है ताबड़तोड़ बाइकर गैंग। कहाँ का नंबर है? दिल्ली वाले। लेफ्ट साइड में जो आपको मान विलेज दिख रहा है, यहाँ भी सेम है। यहाँ भी कैंप्स भी हैं, होमस्टेज भी हैं। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा होमस्टे था, क्या नाम था मम्मी? योकुमा होमस्टे, याद है आपको? योकुमा होमस्टे, बहुत सुंदर सा प्यारा सा होमस्टे था। मुझे तो इसलिए ज्यादा याद है कि यहाँ पे अपनी गाड़ी डीजल, हाँ, हमारी गाड़ी का डीजल यहाँ फ्रीज हो गया था। आज सुबह रंगदूम ने कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने एकदम दीवार से सटा के लगाया था, रात को स्टार्ट भी कर दी थी। योकुमा होमस्टे का जो वीडियो है ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये इधर तो थोड़ा हल्का रंग है, उधर तो एकदम नीला रंग है। तो वो इतना नीला रंग और ये दूसरा रंग आता कहाँ से? बताया तो ऐसे ही जाता है कि जो आसमान से जो कलर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ये दो कलर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है? आसमान तो पूरा नीला है, कोई बता सकता है क्या? आप में से किसी को जानकारी हो कि ये लेक इतनी नीली क्यों दिखती है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी माता जी जवाब सुन के भाव विहोर हो जाएंगी। रंग बदल गया देख, कैसा हरा, आधा हरा दिख रहा है, आधा नीला दिख रहा है, उधर ब्राउन दिख रहा है। पहले सूर्य देवता जब हमारे ऊपर ऐसा रोशनी डालते हैं और पीछे शानदार सी एक झील दिखती है तो क्या नजारा होता है। आई लव पेंगोंग। मम्मी आपके लिए, मम्मी को मैंने अपने चश्मा पहना दिया। पहले मम्मी ये वाला चश्मा पहन रही थी, फिर मैंने ये वाला पहना दिया। मेरा चश्मा पेंगोंग से मैचिंग हो गया ना, नीला नीला चश्मा और नीली नीली पेंगोंग। हाथ नीचे कर लो मम्मी, थोड़ा नेताओं टाइप ना हाथ ऐसे ऐसे हिलाती रहा करो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने रोका था, थोड़ी बढ़िया फोटोग्राफी कर दी थी ताकि बैकग्राउंड में बढ़िया झील आए। मम्मी ये चश्मा तो एकदम कातिलाना लग रहा है आप पे। तो ये सामने आपको जो सेटलमेंट दिख रहा है इसका नाम बताओ मम्मी, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं। मान की मेरख। मान निकल गया पीछे, मेरख। ये है मेरख, चुशुल के पहले ये आखिरी सेटलमेंट है। यहाँ से चुशुल 30-35 किलोमीटर और आगे है। यहाँ पे पर आपको बहुत सारे होमस्टेज और कैंप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे। कल मैं भी यहीं आने वाला था, गाड़ी का टायर पंचर की दिक्कत नहीं होती तो फिर मैं यहीं आके रुकता। तो ये है मेरे पीछे पूरा का पूरा मेरख विलेज आपको दिख रहा है। सब जगह कैंप्स और होमस्टेज बने हुए हैं। ऊपर वहाँ पे कुछ डोम लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। मम्मी के हाथ की दाल खाने का बड़ा मन हो रहा था, अरहर दाल यहाँ मिलती नहीं है, बहुत याद आ रही थी। तो हमें फाइनली एक ऐसी छोटी सी जगह मिली गई जहाँ पर हम बड़ी अपना सेटअप लगा सकें। स्टोरेज का हॉल है ये, शायद वो है। धूप भी बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ है, तो इसलिए ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ थोड़ी छाव भी मिल जाए और हवा से भी बच पाएँ। तो इसके साइड में हमने गाड़ी लगा ली है। सामने एक घर था, वैसे ये वैसे ऐसा किसी से पूछ के करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। तो मम्मी दाल और क्या खिलाओगी? दाल रोटी सलाद गुड़ आचार अचार पापड़। वेरी गुड। तो ये हमारी दाल तो हमने तैयार कर ली है। माता जी इधर बना रही हैं रोटी। मुंह में से टपक रहा है पानी। घर का जो रोटी की खुशबू और स्वाद, वो भले कितना भी अच्छा खाना खा ले, घर की रोटी तो घर की रोटी है ना मम्मी। ये फूल गए है मेरी घर की गर्मा गर्म रोटी। लाओ मम्मी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, इसमें लगा दो एकदम
मस्त घी, ऐसा घी मेरे को तैरता दिखना चाहिए। हाँ, तैरता दिखना चाहिए। हाय हाय हाय। तो मेरा गांव है, ये है पेंगोंग लेक, और ये है अपना शुद्ध देशी खाना। मैं तवे अपने खाना एकदम एकदम शुद्ध सिंपल होता है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। ये है रोटी, अचार, टमाटर नमक डाल के, गुड़ और थोड़ी सी और दाल, घी नींबू डाल के दाल। सालों बाद घर का स्वाद आया। धीरे धीरे खाना, वो हवा चल रही है ना तो आज लग नहीं रही, तो बहुत धीरे धीरे रोटी बन रही है। आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। उसको उठाती हूँ ना तो वो बुझता है। मेरा खाना तो हो गया, दाल एक कटोरी और ले ली आज मैंने। रोटी तो बस मैंने चार ही खाई है, लेकिन दाल मैंने 5 कटोरी पी ली। मम्मी मेरे बात खा रही हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे रोटी जब मम्मी बना रही थी, अगर साथ में खाओ तो वो ठंडी हो जाती है। एकदम ऐसी हवा चलती कि वो थोड़ी देर रोटी रखी रहे तो पापड़ हो जाते। वहाँ पे धूप नहीं है इसलिए ठंडा ज़्यादा लग रहा था। माता जी आ गई धूप में। मेरा स्टूल सबसे कम्फर्टेबल, घर से लेके चलती हूँ उसको। दाल ले लो अच्छे से मम्मी, एक रोटी और ले लो। अरे बस बस हो गया ना। कितनी रोटी खाई आपने? 3। एक और ले। एक और ले। जबरदस्ती है। अरे मेरे को इरिटेट मत कर, बस हो गया। और उसको ढक्कन लगा के रख। सो ऑल डन, हम यहाँ से निकल रहे हैं रोड ट्रिप्स पे। खाना बनाना लगता तो बड़ा फैसिनेटिंग है, लेकिन खाने तक तो ठीक है, लेकिन असली तेल निकलता है जब बर्तन मांजने पड़े। यहाँ की हवा इतनी ठंडी है, भली धूप निकलती रहे हाथ ऐसे हो जाते हैं एकदम बर्फ, हवा गोल हो जाती है। क्यों मॉम? जर्नी में खाना बनाना वेरी टफ, लेकिन ठीक है मेरे को अरहर की दाल मिल गई, मुझे उसका बड़ा संतोष है। बहुत मन था खाने का, अब आगे बढ़ा जाए। खाने का बहुत मन होता है, फिर बनाते हैं, फिर उसमें इतनी मुश्किल होती है कि फिर 2-4 दिन चुप रहते हैं। 2-4 दिन बोलते हैं भाई भूखे रह लो, जो है नहीं तो मैगी वैगी खा लो, खुश रहो। ठीक है वही ऐसा 4-5 दिन बाद जब बहुत ज्यादा तलब हो जाती है। नहीं तो प्रॉपर अगर कुकिंग का सेटअप रहे ना, गाड़ी के पीछे ही अपन ने ड्रॉर्स खोले कर दिए, लेकिन वो भी एक अलग चीज है। बर्तन तो मांजने पड़ते, बर्तन तो फिर भी मांजने पड़ते हैं। और बर्तन की बात तुम क्यों ज्यादा कर रहे हो? अपने में डिवीजन हो गया है कि हम कुक करेंगे और तुम बर्तन मांजोगे, तो तुम्हें बर्तन ही डिफिकल्ट दिखता है। क्या लैंडस्केप है यार, पर हाय हाय हाय। पेंगोंग लेक के किनारे खाना बना के खाना, हाँ। क्या किस्मत वालों को मिलता होगा। सही बात है। चलो भाई अब बढ़े आगे। ये एक और छोटा सा गांव है, खाकटेट, KHAKTET। गिनती के घर दिख रहे हैं 8-10, छोटा सा सेटलमेंट है। यहाँ भी एक आध होमस्टे कुछ मिल ही जाता है। यहाँ पे एक तरीके से यहाँ के लोग, एक होमस्टे खोलता है, दूसरा तीसरा, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है, सब होमस्टे खोल रहे हैं। अगर आप रैंडमली भी अगर आपको मदद चाहिए और आप किसी घर में चले जाएंगे कि एक दिन रुका लो, तो आपको रोक लेंगे, प्रोवाइडेड अब आप एकदम दो हो हल्ला धूम धड़ाका करते हुए घुसेंगे। कुछ लोग एकदम 10 बाइक लेके घुसते हैं तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन प्यार से धीरे से जाके बोलेंगे तो यहाँ पे छोटे से छोटे गांव में कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हम तो इसी भरोसे पे पूरा लद्दाख घूम आते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ना तो कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। बस इस झील के किनारे ये रोड यहीं तक चलती है, ये आगे लेफ्ट साइड आपको देख रहे हैं झील दूर जाती आ रही है। अब हम झील से दूर जाते जाएंगे, चुशुल तो पेंगोंग लेक से थोड़ा सा दूर है, तो मम्मी पेंगोंग लेक को गुड बाय बोल दो, देखते हैं पॉसिबली 1 साल बाद फिर आएंगे। हाँ, तब तो आएंगे। साल भर के लिए तो गुड बाय बोलेंगे। बाय बाय, बाय बाय कैंग, पेंगोंग बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो मोबाइल धार 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 बजना शुरू हो गया है, यानी कि हम कवरेज रेंज में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि चुशुल में भी नेटवर्क है। क्या बात है यार मम्मी, भारत आगे बढ़ रहा है, हर जगह कोने कोने में नेटवर्क पहुंच रहा है, भारत का विकास हो रहा है। सो जैसा मैंने आपको बताया, पीछे उन पहाड़ों के पीछे कहीं हम पेंगोंग लेक को छोड़ आए हैं, चुशुल सामने मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर आगे जाके है। अब ये जो रास्ता है इसके पैरेलल आपको ये सारे जो पहाड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे कहीं दूर जाके चाइना के साथ इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको आर्मी के कैंप्स जगह जगह दिखते रहेंगे, कई कई जगह नहीं भी दिखेंगे क्योंकि ये पहाड़ों में कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। एक टाइम था यहाँ पे बाइकर्स ऑफ रोडिंग करने आते थे, और ये जो बिजली के खंभे होते थे इन्हीं के दम पे इन्हीं को फॉलो करते करते एक गाँव से दूसरे गाँव जाते थे,
लेकिन अब तो ये मक्खन रोड बन गई है। लास्ट ईयर भी मैं आया था तो मेरठ के आसपास तक ये रोड बनी थी, आगे की रोड बन रही थी। तो ये जो ब्लैक टॉप आप देख रहे हैं इसी साल हुआ है। मम्मी उतर के देखो यार क्या मस्त सीन है। अरे यार इतनी मुश्किल से इतनी हवा में खाना बनाया, फिर इतना सारा खा लिया, मुझे नींद आ रही है। मम्मी ने बढ़िया दाल और रोटी खा ली है, आराम से पसर गई है। चलते हैं बढ़ते हैं अपने होमस्टे की तरफ। जैसे ही सूर्य देवता नीचे जाएंगे ऐसी ठंड बढ़ेगी कि गाड़ी के बाहर खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। मामू मत सो ना, ठंडे साथ। पहले मोबाइल में मैप्स देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक रखा था मोबाइल को अटैच करने वाला, वो टूट के गिर गया था, लेकिन वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था। तो मैंने ये बढ़िया स्क्रीन लगा ली है। इसमें मैप्स चलाने के लिए वैसे तो इसको पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ता है इंटरनेट से, जो कि यहाँ पे है नहीं, लेकिन पहले से मैप्स डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड में तो फिर बढ़िया चल सकते हैं। तो अब ये मैप पूरे टाइम चालू रहती है, मम्मी भी इसको मस्त देखती रहती है। मम्मी आपको भी समझ आ गया ना थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा। ये जो ब्लू डॉट है ये हम हैं, पीछे पैनगोंग टीएसओर लेक है और आगे बस हम चुशुल पहुंचने वाले हैं। आगे है क्या, यही है क्या? हाँ यही है ना चुशुल। व्हाइट व्हाइट सब दिख रहे हैं, कोई होमस्टे देखा क्या? एक व्हाइट याक होमस्टे करके है, मेरी रिसर्च के आधार पे वही एक होमस्टे है यहाँ पे जिसमें अटैच टॉयलेट है। देखते हैं चल के। व्हाइट याक होमस्टे का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, नीचे व्हाइट याक नहीं है पर ब्लैक याक है। हेलो याक, वो देख रही है अपने को ही, देख रही है पूरा ध्यान अपनी तरफ ही है। व्हाइट याक होमस्टे में घुसते हुए वाटर क्रॉसिंग। चलो ठीक है, गाड़ी आएगी तो समझ में आ जाएगा। यार ये तो डेंजर डेंजर वाटर क्रॉसिंग दिख रही होंगी। अच्छा वो वाला है मन से, वो वाला है, मैंने गूगल उसके फोटोज देखे थे ना, मुझे व्हाइट कलर का घर दिख रहा है ना, दैट इज द वन मॉम। नहीं वो ठीक है, लेकिन कोई बात करने वाला बात नहीं। नहीं वो बोले मैं आ रहा हूँ बस, आप वहाँ पे पहुँचो। कोई बात नहीं, अपना तो छूता रहता है। बस निकल गई। ये आ गया मम्मी अपने होम से, देखो आपको सीधा दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये मेरा बेटा है। हां कल बुकिंग आया था ना, आज कल एक बुकिंग था, मैंने सोचा वही होगा। नहीं नहीं, 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 नहीं हमारा बुकिंग नहीं रहता। कहां गए अपन? त्रिशूल। अच्छा ये क्या आप बुखारी लगा दी हो? तो त्रिशूल में आते साथ ही उस होम स्टे में यहां पे ये बुखारी इसको चालू कर दिया गया है। बोला कह रही है कि यहीं सो जाओ आप, गर्मी ठंड नहीं लगेगी आपको बिल्कुल। साथ में चाय भी मिल गई। मैं थोड़ा पैर नीचे करके बैठती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। तो ये होम स्टे आपका? हाँ बहुत दिनों से, कब से है? पहले तो हाँ स्टार्ट किया, अभी तो 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ जी। इसी में बनाते खाना आजकल की नहीं? अभी नहीं बनाते। नहीं नहीं, गैस में बनाते। गैस में बनाते? हाँ। फिर ज्यादा ठंड होगा तब इसमें बनाते हैं? क्या आइस गिरता है तो? हाँ ये लगाते हैं। फिर इसमें बनाते हैं? अभी ये चालू करके 1 हफ्ता हो गया। अच्छा थोड़ा गर्म है। हाँ इसमें इसमें क्या डालते हैं अंदर? लकड़ी और उसके ऊपर कुछ डाले थे, इसके ऊपर गाय का गोबर डालते। अच्छा वो कंडे? अच्छा मतलब इसमें लकड़ी और वो गाय याक बकरी सबका गोबर ओबर सब डाल देते हैं। बाहर है ना सूखा के। ये इसमें ये जो दिख रहा है ये क्या चीज है? ये लद्दाखी चाय बनते है ना, चाय लद्दाखी। अच्छा लद्दाखी चाय? हाँ। अच्छा लद्दाखी चाय बनाने के लिए? हाँ। ये तो इसमें कैसे करते कैसे हैं? इसमें चाय डालते है, मक्खन डालता है। हाँ। फिर इसे उबालते है। अच्छा। तो ये है अपना खूबसूरत सा होम स्टे, रंगदुम बड़ी आराम कर रही है। ये जो गांव है चुशुल लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर। बाकी जो पीछे जो गांव आए थे उनसे ये गांव थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे एक बोर्डिंग स्कूल भी है जो पीछे स्पांगमिक में
जो हमारी होम स्टे ओनर थी उनके बच्चे भी यहाँ पे, उनका एक बच्चा भी यहीं पे उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। बाकी यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ सब यहाँ पे हैं। ये जो एरिया है पूरा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से जो चाइना के साथ जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे है नहीं। आर्मी की भी यहाँ पे काफ़ी हैवी प्रेजेंस है, तो यहाँ पे तो आपको एरियल व्यू नहीं दिखाए जा सकते, इसीलिए यहीं से सारे पहाड़ों को देख के एंजॉय कर लीजिए। जैसे ही हम लेह तंगस्ते उस एरिया को क्रॉस करते हैं, यहाँ जितने एरिया आते हैं यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शाम को 6 से रात को 11 सिर्फ 5 ही घंटे यहाँ पे लाइट आती है, बाकी सब सोलर पैनल्स और इन सब चीज़ों पे यहाँ के लोग डिपेंडेंट हैं। रास्ते में बढ़िया हमने खाना बना लिया था, तो इसीलिए खाना वाना हमें खाना नहीं है, मस्त सोएंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे और निकल जाएंगे। तो ये है हमारे आज रात का छोटा सा प्यारा सा आशियाना। यहाँ पे हमेशा बैठने के लिए नीचे एक जगह दी जाती है, मेरे को यही जगह सबसे फेवरेट लगती है, मैं तो यहीं सोऊंगा आराम से। हमारी माता जी घोर निद्रा मूड में जा चुकी हैं। क्या हो गया, आँख में लाइट भर देगा क्या? ये जो होमस्टे हैं इनके जो ओनर हैं वो एक्स आर्मी मैन है, और उनका जो किचन था वो इतना गर्म था, वहाँ उन्होंने बिठा के चाय पिलाई, फिर उसके बाद अपने रूम में आए तो यहाँ पे ज्यादा ठंडा लग रहा है। किचन तो मम्मी गजब का गर्म था, है ना? उसमें वो लगी थी ना क्या, बुखारी। बुखारी तो क्यों उठाया, आखिरी व्लॉग बनाने के लिए उठाया आपको। व्लॉगर को भूख नींद इन सब का कुर्बानी देनी पड़ती है, आप एक व्लॉगर हो। आँख में बदबू सा लाइट। तो अभी लाइट आ गई है, जैसे रात को 6 से 11 लाइट आती है, तो यहाँ पे पता नहीं शायद वो स्विच काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे अपने सारे डिवाइसेस चार्ज पे लगा दिए हैं। आज पहली बार ऐसा टूर में हुआ कि मेरी सारी बैटरीज ख़त्म हो गई थी, होपफुली 5 घंटे में चार्ज हो जाएंगी। कल वहाँ पे पैनगोंग के साइड में भी लाइट नहीं थी, तो मेरा मैकबुक भी चार्ज नहीं हो पाया था, यहाँ लगा दिया है चार्ज में। तो वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिए। तो मम्मी आज का गुड नाइट करो, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।